जय हिंद दोस्तों। भूतपूर्व सैनिकों के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बता दें दिल्ली में वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी ईसीएचएस की तरफ से निकाली गई है। दिल्ली कैंट के आसपास वैकेंसी है 8 ईसीएचएस में। और बता दें 8 ईसीएचएस कौन कौन से रहेंगे? दिल्ली कैंट, चकुर बस्ती, सोहना रोड, दुनहरा लोधी रोड और बता दें तिमारपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये जॉब लोकेशन रहेंगे। और इसमें बता दें जितने भी जॉब लोकेशन है ये 8 ईसीएचएस में अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। तो सबसे पहले बता दें ओआईसी, मेडिकल ऑफिसर, डेंटल ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, इस तरह की वैकेंसी है। जो लैब टेक्नीशियन है इसमें JCOR अप्लाई कर सकते हैं। 8 वैकेंसियां हैं। लैब असिस्टेंट की 2 वैकेंसियां हैं और 28,000 सैलरी रहेगी। फार्मासिस्ट की 16 वैकेंसी हैं, इसकी भी 28,000 सैलरी रहेगी। डेंटल असिस्टेंट की 8 वैकेंसी हैं, इसमें भी 28,000 सैलरी रहेगी। इसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट की 16 वैकेंसियां हैं, इसमें भी 28,000 वैकेंसी रहेगी, 28,000 सैलरी रहेगी और 16 वैकेंसी है। इसके बाद IT नेटवर्क टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी हैं। और भी वैकेंसी हैं, अलग अलग ट्रेड के लिए हैं, जो जिस ट्रेड के लायक है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बता दें 7 वैकेंसी हैं, 28,000 रुपए सैलरी रहेगी। इसमें बता दें क्लर्क ट्रेड के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, 26 वैकेंसियां हैं, इसमें 28,000 सैलरी रहेगी। रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है और बता दें ड्राइवर की भी वैकेंसी है, जो 6 वैकेंसियां हैं। क्लास 1 ड्राइवर होना जरूरी है। 1,970 रुपए, 19,700 रुपए सैलरी रहेगी। चौकीदार की 3 वैकेंसी है, जिसमें 8 पास आर्मर्ड फोर्स के सभी जवान इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 16,800 सैलरी रहेगी। प्यून की 4 वैकेंसियां हैं, 16,800 सैलरी रहेगी। फीमेल अटेंडर की 6 वैकेंसी हैं, जिसमें 16,800 सैलरी रहेगी। और सफाई वाले की 4 वैकेंसी हैं, 16,800 रुपए सैलरी रहेगी। इसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑफलाइन फॉर्म भरने का एड्रेस है OIC स्टेशन हेडक्वार्टर, ईसीएचएस सेल, दिल्ली कैंट, 11010, 5 जनवरी 2024 से पहले पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म भेजना होगा। इंटरव्यू की डेट आपके मोबाइल और ईमेल पर दे दी जाएगी बाद में। तो इसके फॉर्म का जो लिंक है मैं डिस्कशन में दे दूंगा और नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्कशन मिल जाएगा। इसमें आपको PPO, डिस्चार्ज बुक, ये सारी चीजें आपको इसमें फोटो कॉपी करके अटैच करनी है और साथ में ले भी जानी है इंटरव्यू के टाइम पे। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।